योगी इस वक्त रैली को संबोधित कर रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जनपद सहारनपुर के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सुरेश राणा जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, श्री कपिल देव अग्रवाल जी, श्री दिनेश खटिक जी, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री जसवंत सैनी जी, माननीय सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी, सहारनपुर के मेयर श्री संजीव वालिया जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष मांगेराम चौधरी जी, माननीय विधायक गण श्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, देवेंद्र निम जी, कीरत सिंह जी, प्रमोद उठवाल जी, उमेश मलिक जी, विक्रम सैनी जी, तेजेंद्र निर्वाल जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष मुजफ्फरनगर श्री वीरपाल निर्वाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सांबली श्रीमती मधु गुजर जी, सपना कश्यप जी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल जी और भारी संख्या में विश्वविद्यालय शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित सहारनपुर मुजफ्फरनगर सामली से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मां शाकंभरी के इस पावन धराधाम पर मैं देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का आप सभी की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक कोने का जनपद है। अपनी हस्तकला, औद्योगिक गतिविधियों और कृषि के लिए जाना जाने वाला यह जनपद दशकों से मांग करता रहा था कि उनके पास अपना एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन पिछली सरकारों के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं था। जहां जातिवाद होगी, जहां वंशवाद और परिवारवाद हावी होगा, वहां विकास और राष्ट्रवाद के लिए कोई जगह कैसे हो सकती है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में शिक्षा के लिए, विकास के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए उनके पास कोई एजेंडा न होने के कारण उन्होंने शोर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। और यही कारण था, यहां पर कहीं प्लान होता था, कहीं दंगे होते थे, कहीं पर अराजकता चरम पर थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, अराजकता का तांडव इस कदर था कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही बदरंग हो गई। आजादी के समय जो प्रदेश देश के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता था, वह प्रदेश पिछड़ते पिछड़ते बीमारू राज्य के रूप में गिना जाने लग गया। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश देश के विकास में बाधक नहीं, देश के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करते हुए दिखाई दे रहा है। और सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर बनने वाला यह विश्वविद्यालय इसका एक उदाहरण आप सबके सामने है। भाइयों बहनों, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पहले विकास के नाम पर बंदरबांट होता था,
एक परिवार के विकास को ही प्रदेश के विकास का मानक मान लिया जाता था, जहां पर दसों वर्षों तक गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया था, जहां पर कभी मुजफ्फरनगर का दंगा होता था और कभी इसी सहारनपुर में किसने नहीं देखा है कि कैसे यहां पर सिक्कों की दुकानों और प्रतिष्ठानों पर आग लगा करके दंगे की आग में सहारनपुर को झोंकने का कार्य हुआ था। कभी बिजनौर के दंगे, कभी बरेली के दंगे, और इन दंगों के कारण महीनों तक कर्फ्यू, और तो और हमारी आस्था पर भी प्रहार होता था। सावन के महीनों में कहा जाता था कि कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी, और जब कहीं पर हमारा व्यापारी कोई बेटी सुरक्षा की गुहार करती थी तो उस समय उसको अनसुना कर दिया जाता था। कौन नहीं जानता कि मुजफ्फरनगर दंगे के मुख्य आरोपी को उस समय की सरकार के द्वारा लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास में सम्मानित करके बड़ी बेशर्मी के साथ प्रदेश के दंगाइयों के हौसलों को और भी दुस्साहसिक तरीके से बढ़ाने का कार्य किया गया था। कौन नहीं जानता कि सहारनपुर के दंगाइयों को लखनऊ में सम्मानित किया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले पौने पांच वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, प्रदेश में दंगा नहीं, कांवड़ यात्रा हो या फिर होली और दीपावली, दुर्गा पूजा हो या जन्माष्टमी के आयोजन, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। यही नहीं, 500 वर्षों का इंतजार, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का समाप्त हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी के परिकल्पना से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा है। भाइयों बहनों, आज देश सुरक्षित हाथों में दुनिया के अंदर समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है, और उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है।